दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक इकरार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे IDFC फास्ट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन करेंगे ऑनलाइन घर बैठे। तो दोस्तों आपको IDFC फास्ट बैंक के जो है आपको यहां पर देख सकते हैं मंथली बेसिस आपको यहां पर 6.25% का आपको मंथली इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा आपके सेविंग अकाउंट पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर चेकबुक और डेबिट कार्ड आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा और आपको अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक इकरार चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको IDFC फास्ट बैंक आपको सर्च कर लेना होगा। आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे इस साइट के। आप यहां पर आकर आपको यहां पर देख सकते हैं कि अपना मोबाइल नंबर आपको यहां पर इंटर करना होगा जो आधार से रजिस्टर है, और अपना ईमेल आईडी आपको इंटर करना होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं पिन नंबर, और आपका जो आधार नंबर होता है आधार नंबर आपको इंटर करना होगा, और यहाँ पर गेट OTP का ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, पेन नंबर आधार नंबर एंटर करके आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके आधार डिटेल जो भी है एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, माय कम्युनिकेशन एड्रेस, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। आपका जो एड्रेस है यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। आपको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट देख सकते हैं, आपको चेकबुक मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा, व्हाट्सअप बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ATM कार्ड का कैश विड्रॉल आपको ऑप्शन मिलेगा, IDFC फास्ट बैंक का नेट बैंकिंग, और यहां पर देख सकते हैं IDFC फास्ट का मोबाइल एप्लीकेशन, और यहां पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपको अपना ब्रांच। तो जो भी है आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर क्लिक करना होगा प्रोसीड टू, यहां पर आधार एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा, और यहां पर आपको देख सकते हैं कि अपना जो ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो भी आपका ब्रांच का जो भी आपका एरिया है एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हमने यहां पर अपना जो ब्रांच का नेम है यहां पर ब्रांच का नेम यहां पर सर्च कर लेंगे, और यहां पर देख सकते हैं कि आप किस जैसे कि आपको अपना जो सैलरी पर्सन है कि क्या है, आप यहां पर अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी है आपको यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम यहां पर क्लिक कर देते हैं, और आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको एग्रीकल्चर जो भी है आपको कहां से इनकम होता है यहां पर अपना सेलेक्ट कीजिएगा, ग्रोसरी इनकम आपका कितना है आप यहां पर इंटर कर लीजिएगा। तो हमने यहां पर इंटर कर लेते हैं, और यहां पर आपके जो मदर का नाम है मदर का नाम यहां पर डाल दीजिएगा, और मदर का नाम इंटर करके आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको दो वेरिएंट का अकाउंट यहां पर मिलता है IDFC फास्ट बैंक में, जैसे कि आपको 25,000 मंथली बेसिस पर, और यहां पर देख सकते हैं 10,000 का मंथली। तो दोस्तों आपको यहां पर 25,000 मंथली पर आपको यहां पर देख सकते हैं वीजा सिग्नेचर कार्ड, आपको वीजा प्लेटिनम कार्ड दिया जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 10,000 मंथली पर आपको वीजा और यहाँ पर वीजा आपको कार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों आपको अपना 10,000 का मेंटेनेंस अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, और आपको यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड करेंगे आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे आपके देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है जो IDFC फास्ट बैंक में अकाउंट ओपन हो चुका है। हमारा जो यहाँ पर अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर यानी 12 मंथ के पहले पहले आपको अपना जो KYC कंप्लीट करना होगा RBI का गाइडलाइन के आपको यहाँ पर बताया गया है, और आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पर कस्टमर ID पूरी डिटेल आपको दिया गया है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही आप अपना IDFC फास्ट बैंक में आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग कैसे रजिस्टर किया जाता है हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ठीक है, बाय, थैंक यू।